मनु, तुम ये भूल क्यों जाती हो कि महाराज तुम्हारे पति हैं, और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वो झांसी नरेश है। फिर तुम उनसे इस प्रकार का व्यवहार कैसे कर सकती हो? मैं मानता हूं कई बार विषम परिस्थितियों से परेशान होकर तुम अपनी भड़ास महाराज के समक्ष निकाल देती हो, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम महाराज का अनादर करो। मनु, तुम्हें समझना होगा कि वो झांसी के महाराज है। उनके सर पे जो ताज है ना, वो प्रजा और राज्य से संबंधित जिम्मेदारियों का एक बोझ है। एक राजा का कर्तव्य निभाना इतना सरल नहीं होता मनु, कई परीक्षाएं देनी होती है, जैसे कि श्री राम ने दी थी। श्री राम अपनी प्राण प्रिय माता सीता को वन नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि वो स्वयं से भी अधिक स्नेह अपनी अर्धांगिनी माता सीता से करते थे। पर वो एक राजा भी थे, और राजा के कर्तव्य ने उन्हें इतना विवश कर दिया कि उन्हें माता सीता को वन भेजने का निर्णय लेना पड़ा। महाराज की परिस्थिति भी कुछ ऐसी है मनु, वो हृदय से अंग्रेजों को पसंद नहीं करते, पर अपनी प्रजा के लिए झांसी के राज सिंहासन पर विराजमान रहना चाहते हैं, क्योंकि जब तक वो सिंहासन पर विराजमान है तब तक राजा के अधिकारों का प्रयोग कर वो प्रजा को सुरक्षित रख सकेंगे। और तुम भी तो एक महारानी हो, इतने बड़े पद पर विराजमान होकर छोटी बड़ी हर घटना से विचलित होना तुम्हें शोभा नहीं देता मनु। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है बाबा, ना जाने आवेश में आकर हमने महाराज को क्या क्या कह दिया, पर अब आपकी हर बात को हम याद रखेंगे और भविष्य में महाराज से इस प्रकार का बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। पर सर्वप्रथम हमें महाराज से जाकर इस भूल के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। What is all this, brother? In the humiliation will be in front of those bloody Indians? सिर्फ तुम्हारे वजह से आज मैंने इस इंसल्ट बर्दाश्त किया। So you tell me, brother, क्या एक ब्रिटिश दूसरा ब्रिटिश को अब ऐसे ही ट्रीट करने वाले हैं? Sir, do you have an answer for this? मेरे भाई को बलि का बकरा बनाकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए कल्प्रिट बना दिया। Just because the king spoke, you buckled under pressure, और मेरे भाई को पनिश कर दिया। Why? मैं ये टॉलरेट नहीं कर सकता है। आप मेरे सीनियर है तो क्या? मेरे भाई मेरे लिए सब कुछ है। अब मेरे भाई को फंसाकर इनजस्टिस कर दिया। Oh really? मैं अपनी मिस्टेक सुधार लेता हूँ। कह देता हूँ किंग से कि बीमार को मारने वाला कोई और नहीं, तुम हो। और मारने के दो रीजन है। First, victory of the queen in the human trafficking episode. And second, झांसी के लोगों का अपनी क्वीन को एक्सेप्ट करे। ये इसराइल की वास्तविकता। एक सच्चा हिंदुस्तानी तुम जैसे लाखों शैतानों पर भारी है, और जो हमें कम समझता है हम उनका अस्तित्व ही मिटा देते। ये सिर्फ महारानी नहीं, देवी है, देवी। हाँ, देवी है महारानी लक्ष्मीबाई। And I'm sure, ये सुनते ही किंग बहुत खुश हो जाएंगे और तुम्हें हवर देंगे तुम्हारे छाती में गोली दागकर। Now you tell me, कौन सा ऑप्शन बेहतर है, तुम्हारी मौत या फिर तुम्हारी भाई को अरेस्ट करके एक अच्छे से बंगलो में रखना? But don't worry, Ross. जैसे मैटर थोड़ा ठंडा हो जाएगा, मैं रॉब को लॉन्डर शिफ्ट करूंगा। Okay, मैं इस पनिशमेंट के लिए रेडी हूँ, पर मेरे एक शर्त है। कैसी शर्त? जब तक मैं सजा काटूं, तब तक मुझे वो मेड सर्वेंट पर्सनली अटेंड करे। And which maid servant is that? भाई जो कुछ दिन पहले कमिश्नर आई थी जॉब के लिए, और मैंने तुमसे उसे जॉब पर रखने की रिक्वेस्ट की थी। Come on, man, तुम हमारे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हो,
हम इतना भी नहीं कर सकते? You deserve this, Rob. अब तुम्हें वो मेड सर्वन ही अटेंड करेंगे. ये देवा, पता नहीं महाराज का क्रोध शांत हुआ या नहीं. महाराज ये देखिए, हम आपके लिए शरबत बनाकर लाए हैं. ये देखिए महाराज, ये आपके वस्त्र के साथ कितना मेल खा रही है. इसे पहन लीजिए. अंततः महाराज ने महारानी की उंगलियों पर नाचना बंद कर ही दिया. देखिए कैसे भगा रहे रानी लक्ष्मीबाई को. खुदा बस खता न कराए, अवाम ने सर पे चढ़ाया तो क्या हुआ. महाराज की नजर में तो गिर ही गई ना महारानी. सब कुछ करके देख लिया काशी, पर महाराज हमारी बात सुनना तो दूर हमारी तरफ देख भी नहीं रहे. हम उनसे क्षमा कैसे मांगे. महादेव जानते हैं महारानी साहब, इसका उपाय तो हमारे छोटे से दिमाग में भी नहीं है. पर हमारे दिमाग में है. क्या तुम? हाँ काशी, तुम हमारी तरफ से महाराज से जाकर क्षमा मांग लो. हाँ काशी, रुक क्यों गई, जाओ ना, डरो मत. महाराज कोई शेर तो ही ना है जो तुम्हें खा लेंगे. अरे जाओ ना. कोई आवश्यक कार्य के लिए आई हो? अशी जाओ. क्या कार्य है? वो महारानी. महारानी क्या, कहीं तुम यह महारानी की तरफदारी करने तो नहीं आई? नहीं महाराज, वो तो हम वो महारानी को ढूंढने आए थे. सत्यानाश, तो यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? जाकर उनको उनके कक्ष में ढूंढो. हाँ महाराज, हम वहीं जाकर देखते हैं. काशी तुम कितनी डरपोक हो. अच्छा आप भी तो डर रही थी ना महाराज के सामने आने से. महादेव जानते हैं महारानी साहब, हमसे तो ये सब नहीं हो पाएगा. आप स्वयं जाकर महाराज से क्षमा मांग लीजिए. ब्रदर, डोंट थिंक कि तुम जेल में है, क्योंकि ये जेल तो है बट नॉट फॉर यू. तुम्हें यहां सारी फैसिलिटीज मिलेगी. ये सोचना है कि तुम छुट्टियां मना रहे हो, बस कुछ दिनों के लिए बाहर नहीं जाना है. That's it.
ये रानी लक्ष्मीबाई महाराज के कक्ष की ओर क्यों जा रही है? खुदा बस खता न कराए, इतनी कोशिशों के बाद भी महाराज तो माने नहीं, इसलिए जा रही होगी कोई नया पैंथरा आजमाने। ये लक्ष्मीबाई भी ना बड़ी जिद्दी है, जो चीज उन्हें चाहिए उसके पीछे हाथ धोकर लग जाती है। पता नहीं अब कौन सी पट्टी पढ़ाने वाली है महाराज को। ये सब क्या है? चूहा। आपको पता है ना हमें चूहों से बहुत डर लगता है। चूहा? हमारे महल में चूहा कहाँ है? है हमारे कक्ष में, और वो भी छोटे छोटे नहीं, बहुत मोटे मोटे चूहे। की नजर ना खजाने पर है। हमारा मतलब है खाने पर है। या अल्लाह, ये महारानी साहेब हमारे बारे में तो नहीं बात कर रहे है ना? क्या हम किस दिशा से चूहे लगते हैं आपको? या अल्लाह, आपने सुना नहीं महारानी साहेब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि चूहे खजाने के पीछे पड़े हुए हैं। खजाने के पीछे तो हम पड़े हुए हैं ना, हाथ धोकर। महाराज अब क्रोध त्याग दीजिए ना, और हमें आपके कक्ष में सोने की अनुमति दे दीजिए। अपने कक्ष में तो चूहों के डर की वजह से हम सो नहीं पाएंगे, और हमें बहुत नींद आ रही है। क्या आज रात हम आपके कक्ष में सो सकते हैं? बिल्कुल ही। अंग्रेजों को डराती है और स्वयं चूहों से डरती है। कितनी आश्चर्य की बात है। हम जानते हैं महाराज, आज फिर एक बार आवेश में आकर हमने आपसे अनुचित व्यवहार किया, उस भूल के लिए हम क्षमा मांगते हैं। हमारे बाबा और आजूबा हमारी हर भूल को क्षमा कर देते थे, आप ही कर दीजिए ना, क्योंकि हम सब कुछ सह सकते हैं। पर आप हमसे इस तरह मुंह फेर ले, ये नहीं सह सकते। अरे अब रो क्यों रही हैं? अच्छा सुनिए, आप मत रोइए। देखिए अब हम मुंह नहीं फेर रहे हैं, हम क्रोधित भी नहीं हैं। देखिए हमारी तरफ देखिए, हम मुस्कुरा रहे हैं, गुस्सा नहीं है। हाँ चलिए, रोना मत कीजिए। ये कैसा कारावास है?
तुम लोग क्यों गई? आओ ना, कम मैं तुम्हारी ही वेट कर रहा था। See this dress? ये मैंने अपने लवर के लिए लिया था, who is in London. But I don't know London जाने का मौका कब मिलेगा. So एक request है, अगर तुम इसे पहन कर दिखाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा. क्यों हुआ? Why are you staring like this? Oh, मैं समझ गया. Don't worry, मैं हम British के जैसे नहीं हूँ. जो British और Indians में फर्क करते हैं. मैं तो बस ब्यूटी में बिलीव करते हैं और ब्यूटी में भेदभाव कैसा. क्या वह शर्म रही हो? इंडियंस बड़े शर्मीले होते हैं. But don't worry, मेरे पास इस शर्म का भी इलाज है. Doesn't matter. मैं तुम्हारी नशीली आंखों से काम चला लूंगा. कहाँ जा रही हो? अभी तो मैंने तुम्हारी आंखों से पीना शुरू भी नहीं किए है. यू नो व्हाट? ये लव होते ही कुछ ऐसे है कि लोगों को पागल कर देते हैं.